तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स जो है ये मुझे अभी खरगड़िया गौशाला के पास मिल गया है, जमुआ प्रखंड के खरगड़िया गौशाला के पास ये जाते हुए रास्ते में मिले हैं, जो तस्वीरों में देख सकते हैं कौन है, क्या है, क्या मिशन है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एच प्रदीप, और ये मोबाइल नंबर इनका है और ये है टूर इनका। क्या कुछ है जानने का हम प्रयास करते हैं कि ये आए कहाँ से हैं और क्या इनका मिशन है, चलने का मिशन क्या है, कहाँ से है, कितना लंबी सफ़र किए हुए हैं, कहाँ जाना है इनको, ये चीज़ को हम तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हैं, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप है। हाँ, कहाँ के रहने वाले? एक्चुअली बेंगलुरु से हूँ, कर्नाटका बेंगलुरु। अच्छा, तो अभी बेंगलुरु कटक से आया था, ये तो ट्रेन में लेके आया था। हाँ, अभी कटक से अयोध्या जा रहा हूँ। अयोध्या जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं। कटक से अयोध्या जाना है। हाँ, कितना किलोमीटर हो जाएगा? होगा एक हज़ार चार सौ किलोमीटर के आसपास। घूम के जा रहा हूँ। कितना दिन पहले निकले थे घर से? पिछले मंगलवार को निकला था, एक हफ्ता होगा अभी। एक हफ्ता। मिशन क्या है आपका? दो है, एक तो अयोध्या जाने का था। हाँ। और दूसरा है, जो मेरा गाड़ी है। हाँ। वो एक्चुअली बैटरी में चलता है। अच्छा, बैटरी चलता है। लेकिन हमको पैदल भी करना पड़ेगा। हाँ। बट थोड़ा आराम हो जाता है। तो क्या होता है उसमें, अभी सिटी में जो है। हाँ। ये इलेक्ट्रिक साइकिल है ना, हम बहुत मदद करता है, मैंने पेट्रोल का जरूरत नहीं है, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है। एक्सरसाइज मतलब मिशन क्या है? अयोध्या जाने का, कटक से निकले हैं, अयोध्या आपको जाना है, इसके बीच का हमारा बनता है ना, हम लोग देखा है वहाँ से कर्नाटक बैंगलोर में। हाँ। पिछले साल भी आया था, अयोध्या आया था। हाँ। लेकिन मंदिर बनने के पहले आया था। अच्छा, मंदिर बनने से पहले। हाँ, पिछले राम जी को देखने जा रहे हैं। हाँ, राम जी को देखने जा रहे हैं। मतलब राम जी को देखने के लिए सफ़र साइकिल से ही निकल? साइकिल ही है, साइकिल से जा रहा हूँ। वैसे वो बीच बीच में जो भी दूसरे तीर्थ स्थान है। हाँ। वो भी देखते जा रहा हूँ अभी। मतलब बीच बीच में जो तीर्थ स्थान है। हाँ। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? रुक, अभी देवघर से। देवघर से? हाँ। देवघर का सफर आपका हो गया? हाँ, हो गया देवघर। आज देखिए, देवघर तक से निकल के अभी जमुआ प्रखंड, जमुआ विधानसभा, गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड पहुँच चुका है ये झारखंड में। और इनको जाना है सीधा अयोध्या, राम श्री राम को भेंट करने के लिए अयोध्या धाम जाना है। और ये कटक से निकले हुए हैं, उड़ीसा के कटक से, है ना? हाँ जी, उड़ीसा के कटक। हाँ। कितना दिन हो चुका है आपका? 7 दिन हुआ है। 7 दिन हो गया सफर में? 7 दिन। कितना किलोमीटर तय कर चुके हैं अभी? तो 800 होगा। 800 किलोमीटर तय कर चुके हैं, अभी झारखंड पहुंचे हैं, और झारखंड के बाद अभी इनको अयोध्या तक का सफर करना है। हमें ये रास्ते में मिल गए, चलते चलते यहीं खरगड़िया गौशाला के पास जब मैंने इनको देखा कि साइकिल से कोई जा रहे हैं, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि साइकिल से ये जा रहे हैं। लेकिन इनका मिशन है अयोध्या जाना है, राम जी से मिलना है, और श्री राम का, प्रभु श्री राम का जो है आशीर्वाद लेना है, यही ना मिशन? हाँ, है वही मिशन है। लोगों को कोई संदेश दे रहे हैं चलते चलते? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लोगों को संदेश दे रहे हैं जय श्री राम, यानी कह सकते हैं कि ये श्री राम प्रभु जी आए हैं पूरे भारत में, तो एक तरह से आप उनके जो है सो सबों को ये संदेश दे रहे हैं कि प्रभु आ गए, रामराज आ गए। हाँ हाँ, देख जरूर जरूर जरूर। इससे पहले आप क्या करते थे? यहाँ इससे पहले मैं गवर्नमेंट काम था। गवर्नमेंट? हाँ, 5 साल पहले, अभी तो रिटायर होकर 5 साल हो गए। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं? हाँ हाँ। क्या उम्र होगी आपकी? 62। 62? हाँ, बताइए, 62 years old। इतना भी मतलब कोई ज़्यादा नहीं, फिर भी यंग दिख रहे हैं कि आप साइकिल से यात्रा पे निकले हुए हैं और सीधा अयोध्या यात्रा तक जा रहे हैं। तो 60 मतलब लगता नहीं है कि आप इतने उम्र में, आपको आराम करना चाहिए, रिटायर हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब से, इसके बाद आप निकल चुके हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अभी मंदिर बन गया तो जाना पड़ता है। पिछले इनको जाने? हाँ, पिछले बार गया था मंदिर बनने से पहले। तो पिछले बार कैसे, पैदल गए थे, साइकिल से कैसे गए थे? तब मैं गया था शिरडी टू काशी साइकिल से गया था। शिरडी टू काशी साइकिल से? साइकिल से। बाद में काशी से अयोध्या ऐसे ट्रेन में जाके आ गया। लेकिन इस बार हमको एक इरादा था कि अभी मंदिर बनने के बाद अभी हम साइकिल में जाएंगे, यहाँ इस तरफ से। हम उस तरफ से आ गए थे ना, मनमाद वेस्टर्न साइड। अच्छा, मनमाड़ टू काशी। अच्छा, मनमाड़ टू काशी गए। तो इस तरह कटक से, अब कटक से आप अयोध्या, कटक से अयोध्या, इधर देवघर वगैरह होते हुए। हाँ, गंगा धाम भी चल गए। गंगा धाम? मैंने गंगा धाम, ये
सुल्तानगंज ना अभी तक गए इधर नहीं गए। अब यहाँ से नेक्स्ट प्लानिंग क्या है आप? अभी गया जाऊँगा, यहाँ से गया, हाँ दो दिन रहूँगा वहाँ पे, बाद में आई थिंक गोरखपुर टू गया। अच्छा गोरखपुर टू अयोध्या गोरखपुर, मुझे लगता है वही रास्ता है, पता नहीं बाद में वही रास्ता है, हाँ। आगे जाके रास्ता पता चल जाएगा, हाँ। लेकिन ये मिशन है कि हम अयोध्या जा रहे हैं, श्री राम प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए और ये देख के आप कमेंट करके बताइए कि 62 साल उम्र है इनकी, रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब से। प्रभु श्री राम का एक मन में आया विचार आया कि राम मंदिर बनने के बाद फिर से रामलला की दर्शन की जाए, और उनके दर्शन करने के लिए साइकिल से ही यात्रा पे निकल चुके हैं। हालांकि हमारी नज़र जब इन पे पड़ी तो मैंने थोड़ा कुछ जानने का कोशिश किया कि आखिर में कौन है, कहाँ है, क्यों जल रहे हैं, क्या मिशन है इनका, ये मिशन को मैंने जानने का प्रयास किया। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ कुछ और लोग हैं, कहाँ से आप लोग? यहीं के गौशाला का ही हैं, हाँ। प्रभु श्री राम से मिलने जा रहे हैं, आप आपका क्या नाम हुआ? मेरा अजीत कुमार सिंह हुआ। सिंह जी, आप ये मिलने जा रहे हैं, आप भी तो यही दर्शकों में से, आप भी देखे हो इनको? हाँ देखे। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम से मिलने जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं